नगर टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित। हम लोग एक अभी नया क्लास की ओर मूव कर रहे हैं, जहां पे हम आपको बेसिक एक्सेल से एडवांस एक्सेल सिखाएंगे। ये हर एक वीक में हम एक्सेल के दो वीडियोस यहां डालेंगे, दो से तीन। हम पहले बेसिक एक्सेल से चालू करेंगे और ये एडवांस एक्सेल तक जाएगा। एडवांस एक्सेल में डैशबोर्ड वगैरह सभी कॉलम्स को, जितने फॉर्मूले हैं एक्सेल में, क्या क्या काम कर सकते हैं, इसके बारे में, सबके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग एडजस्ट कॉलम, जो कॉलम को हम कैसे एडजस्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग बताएंगे। कोई भी कॉलम का एडजस्ट कॉलम कैसे कर सकते हैं, रो एंड कॉलम के हाइट्स, यदि आपको कॉलम के रो बढ़ाना है या हाइट बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉलम इंसर्ट, कोई भी कॉलम बीच में इंसर्ट करना है या कहीं इंसर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, डिलीट कॉलम या रो को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं, मैजिक वे से मूव कैसे कर सकते हैं, और डेटा को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये सॉर्टिंग्स है, ये सभी सॉर्टिंग्स मुझे क्वार्टर वाइज चाहिए, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री वाइज चाहिए, या फिर मुझे नेम वाइज सॉर्टिंग चाहिए तो भी हम कर सकते हैं, या अमाउंट वाइज सॉर्टिंग चाहिए तो भी हम अमाउंट वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं, कंट्री वाइज सॉर्टिंग चाहिए तो मैं कंट्री वाइज, तो पूरे डेटा ये सॉर्ट हो जाएगा। तो ये सभी कमांड हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले एडजस्ट कॉलम। अब जैसे यहाँ पे ये हम लोगों ने जी के कॉलम पे लिखा है, यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने जी कॉलम लिखा है, बट ये एच को भी टच कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे यदि हम कमांड यूज करना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा सिर्फ जी के कॉलम पे रहे, तो यहाँ पे सबसे इजी प्रोसेस है कि ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। ऑटो एडजस्ट कैसे करेंगे, आपको यहाँ आना है, देखिए ये कॉलम जो कर्सर है ये बदल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कर्सर को आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, जस्ट डबल क्लिक, ये देखिए आपका ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो गया, ऑटो एडजस्ट। आप मैनुअल एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी जाएंगे फिर से और इसको शिफ्ट करेंगे, जितना आपको एडजस्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली आप शिफ्ट कर सकते हैं, मुझे इतना बड़ा चाहिए तो मैं इतना एडजस्ट कर सकता हूँ, तो आप कोई भी कॉलम के या रो के हाइट को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे हम रो के यदि हाइट को बढ़ाना है तो आपको यहाँ पे रो का हाइट मिल जाएगा, आप रो के हाइट्स को बढ़ा सकते हैं, देखिए रो का हाइट बढ़ गया, ऑटोमेटिक एडजस्ट करवाना है ऑटो एडजस्ट, आप यहाँ पे जाएंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, तो ये ऑटो एडजस्ट होता है। मुझे अभी ये कॉलम्स, ये जो रो है इसकी हाइट थोड़े से ज्यादा करना है, हर एक का सेम साइज होना चाहिए पर थोड़ा ज्यादा, तो हम इसके ऊपर इसको सिलेक्ट कर लेंगे रो को और इसके ऊपर राइट क्लिक, यहाँ पे आपको मिलेगा रो हाइट कितना, अभी जो प्रेजेंट हाइट है वो 14.4 है, तो मुझे ये 20 करना, तो मैं 20 कर दूंगा, ऑटोमेटिकली रो का हाइट सब 20 आ गया। फिर से आपको ऑटोमेटेड मोड में चाहिए कि पहले के जैसे हाइट्स, ऑटोमेटेड जो हाइट है वो हो जाना चाहिए, पूरा सिलेक्ट करेंगे और फिर से क्लिक कर देंगे, जो ऑटोमेटेड हाइट है ऑटोमेटिक एडजस्ट जो करेगा उसके अकॉर्डिंगली हाइट हो जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत कब पड़ती है, सी एस साइज, ये साइज थोड़ा हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है देखने के लिए अपने को, एक के साथ एक मिक्स हो रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटेड हाइट मिक्स हो जाएगा, फिर से रो के लिए कॉलम के लिए हम लोगों ने किया, अभी रो के क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली हाइट में एडजस्ट, तो आप ऐसे करके कॉलम के या रो के हाइट बढ़ा या कम कर सकते हैं, या फिर आपको यदि ये सेल का सिर्फ रो थोड़ा हाइट बढ़ाना है, ये कॉलम पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, कॉलम विड्थ, और अभी ये 15.5 ऑटोमेटेड बढ़ गया, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको एडजस्ट करना है। फिर से मैं नॉर्मल में आ जाता हूँ, 11 का फॉन्ट साइज था, 11 फॉन्ट साइज में आ गया, तो हम लोगों ने अभी देखा कि कभी भी कोई भी कॉलम को कैसे एडजस्ट करेंगे अलग अलग से, ऑटोमेटेड एडजस्ट भी और मैनुअल आपके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है तो भी आप कैसे करेंगे। सेकेंड है वहां पे, तो उसके साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया रो एंड कॉलम के हाइट को कैसे मैनेज करें, या मैनुअल भी आप मैनेज कर सकते हैं, ऑटोमेटेड भी मैनेज, इंसर्ट करना है आपको कोई कॉलम यहाँ इंसर्ट करना है बी के आगे, तो आप इसके ऊपर यहाँ सिलेक्ट करना है, जिसके आगे करना है वो कॉलम को सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे बी से पहले एक कॉलम चाहिए तो मैं इसके राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट सिलेक्ट करके पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर और भी चाहिए और राइट क्लिक कीजिए इंसर्ट, आपको ई से पहले भी चाहिए तो राइट क्लिक कीजिए इंसर्ट, ये देखिए आपको ऑटोमेटिकली हो गया।
आपको हाइट बढ़ा साइज बढ़ाना है, आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। अभी मुझे बी और ई e, मेरा एक्स्ट्रा कॉलम हो गया, मुझे इसको डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करेंगे, तो बी यदि आपको एक साथ करना है दोनों, तो बी और ई e को कंट्रोल से कंट्रोल प्रेस करके आप दोनों को चूज कर लीजिए। कंट्रोल प्रेस करके रखना है, जैसे मैंने बी को चूज किया और फिर कंट्रोल प्रेस किया और फिर से मैंने ई e को चूज किया। अभी मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इसको डिलीट, दोनों एक साथ हो जाएगा। देखिए दोनों कॉलम एक साथ डिलीट हो गया। एक एक करके करना है तो आप एक एक करके कर सकते हैं, जैसे ऐप के कॉलम को मुझे नहीं चाहिए, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट, तो ये डिलीट हो गया। अभी दोनों के बीच में ई और ऐप का था, ये ऑटोमेटेड जो जी में था ये हमारा डेटा, वो ऐप में शिफ्ट हो गया। हम ऐसे कोई भी कॉलम को डिलीट कर सकते। अभी मूव, मूव यदि मुझे करना है, जैसे कि डी को मुझे मूव करना है, तो डी को हम यदि ऐसे यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से यदि हम लोगों ने मूव किया, जैसे यहां पे मूव किया, ये आपका कर्सर आया और मैं इसको मूव कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, बी के कॉलम को ओवरराइट्स कर देगा हमने डायरेक्ट मूव किया। तो अभी जो डी का डेटा है वो बी के कॉलम में तो जाएगा, बट बी का कॉलम के डेटा को निकाल देगा। देयर ऑलरेडी डेटा है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, ओके, तो ये रिप्लेस कर दिया। कंट्रोल जेड अंडू का कमांड है, मैंने अंडू किया, इससे सेम आ गया। ऐसा यूज आप कर सकते हैं, बी के आगे एक नया इंसर्ट कीजिए डेटा और फिर आप इस कॉलम को यहाँ पे अभी सिलेक्ट कीजिए और फिर इसको आप मूव कर दीजिए। तो ये एक मूव का तरीका है जो आप इससे ऐसे मूव कर सकते हैं, पर ये लेंथी प्रोसेस है, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। क्या करना है, डी को कॉलम को, डी के कॉलम को सिलेक्ट करना है और आपको बी से पहले इसको मूव करना है। अभी हम यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाएंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे और अभी इसको मूव करेंगे। देखो हमने इसको अभी मूव किया तो ये हमारा रिप्लेस नहीं करेगा, डायरेक्ट मूव हो जाए, याद बी ऑटोमेटिकली या बी के नीचे एक के बाद बी में मूव हो जाए। अभी ये रिप्लेस नहीं किया, इसलिए ऐसे हम लोग मूव कर सकते हैं। इसको हम लोग मैजिक मूव बोलते हैं, डायरेक्टली आप मूव कर सकते हैं विदाउट एनी रिप्लेस। आपको शिफ्ट के बटन दबा के और फिर मूव करना है तो ये डायरेक्ट मूव हो जाएगा। इसके साथ हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग सॉर्टिंग करना देखेंगे, सॉर्ट कैसे करते हैं। जैसे मुझे क्वार्टर वाइज सॉर्ट करना है पूरे डेटा को, ये जो पूरे डेटा है इसको क्वार्टर सॉर्ट जो करना है वो क्वार्टर वाइज करना है, तो हम इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल हम लोग कोई भी एक डेटा ले लेते हैं, जैसे विलियमसन का है, जो सॉर्ट प्रॉपर हुआ कि नहीं देखने के लिए यहाँ पे इसको डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे ऐसा स्टार मार्क आ रहा है इसलिए कि यहाँ पे डेटा है 12438, बट यहाँ पे कैसा है, ये प्रॉपर दिखना है इसलिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसको जितना रो हाइट चाहिए था, कॉलम का विड्थ चाहिए था, उतना इसके पास नहीं है। तो आप यहाँ पे ऑटो एडजस्ट कर देंगे तो ये दिखना चालू हो जाएगा, या मैनुअल भी आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देंगे तो दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सॉर्ट के बारे में बात करते हैं। सॉर्ट यदि करना है, जैसे मुझे बी के अकॉर्डिंगली पूरे डेटा को सॉर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, जो डेटा है पूरा को कहां से कहां तक सॉर्ट करना है, मुझे ये वाला डेटा को सॉर्ट करना है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे डेटा में। आपको ऊपर यहाँ पे डेटा मिलेगा, डेटा में जाइए और यहाँ पे आपको सॉर्ट का एक कमांड दिखता है, सॉर्ट। सॉर्ट में सॉर्ट बाय, अभी आपको सॉर्ट कैसे करना, सेल वाइज करना है, क्वार्टर वाइज करना है, कैसा करना है, आपको यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो मुझे क्वार्टर वाइज सेट करना है, क्वार्टर सेल वैल्यू सेल कलर फॉन्ट कलर अलग अलग है, तो मुझे वैल्यू वाइज सॉर्ट करेंगे। और कैसा ऑर्डर कैसा रहेगा, ए टू जेड का मतलब क्वार्टर 1 2 3 4 ऐसा सेट करना है, या जेड टू करेंगे तो क्वार्टर 4 पहले फिर क्वार्टर 1, ए टू जेड इसको। तो देखिए यहाँ पे क्वार्टर 1 के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो गया। अभी विलियमसन क्वार्टर 1 में 12438 में था, विलियमसन क्वार्टर 1 में 12438, देखिए ऑटोमेटिकली डेटा को वो सॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें भी कुछ एडवांस कमांड है जो आगे हम लोग एडवांस कमांड में देखेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टम लिस्ट, कॉपी लेबल, ऑप्शंस, ये जो डेटा है ये सब हम लोग जब हम इसका एडवांस के कोर्सेज में पढ़ाएंगे तो मैं आपको इसका और भी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो ये है आपका सॉर्ट के कमांड। साथ में यहाँ पे फिल्टर यूज करके भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ये वाला डेटा को आप मुझे
सॉर्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर का कमांड लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, अभी मुझे सिर्फ क्वार्टर वन का रिजल्ट चाहिए, तो क्वार्टर वन पे सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ क्वार्टर वन दिखेगा, बाकी का नहीं दिखेगा। आपको क्वार्टर वन और क्वार्टर थ्री चाहिए तो आप क्वार्टर वन एंड क्वार्टर थ्री देख सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, ये जहां तक चाहिए उसको मैंने सिलेक्ट किया और फिल्टर का कमांड दिया, नहीं चाहिए फिर से फिल्टर का कमांड दीजिए, निकाल दीजिए, निकल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए से डी तक मुझे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे फिल्टर के कमांड को डाल देंगे। अभी मुझे डेटा जो चाहिए वो यूएसए का सिर्फ चाहिए, तो मैंने यूएसए को सिलेक्ट कर दिया, यूके को निकाल दिया, तभी यूएसए का सिर्फ मुझे डेटा यहाँ पे दिखा दिया। इसको हम लोग डेटा फिल्टर बोलते हैं। तो हम लोगों ने आज के क्लास में एडजस्ट कॉलम, रो एंड कॉलम हाइट, इंसर्ट कॉलम, डिलीट कॉलम, मूव कॉलम, मैजिक मूव, सॉर्ट और फिल्टर का कमांड देखा। ये सभी चीजें हम लोगों ने आज के क्लास में देखा। यदि आपको कोई भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग, कोई भी पूछना है, तो आप हमें अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।